दो के बाद पॉइंट, राइट? नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर फोर,
वो सामने हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में 7x = 16 प्लस 9 का आंसर हमें मिलता है 25। नेक्स्ट स्टेप में जब 7x यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो 25 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा। अब ये 25 जो है 7 की डिवाइड में नहीं आता है तो इसका आंसर हमारे पास यही है। तो सिंपल सा स्टेप है, पहले हमने 9 को इससे प्लस कर दिया, 16 प्लस 9 का आंसर आ गया 25 और यहाँ 7 जो था वहाँ डिवाइड में हो गया। और अगर ये फर्दर डिवाइड हो सकता था तो हम इसको और डिवाइड करके इसका आंसर दे देते। The last question for this exercise is x upon 3 plus 1 equals to 7 upon 15. तो let's see इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे पहले x upon 3 वैसा ही रहने दीजिए, यहाँ पर 1 को भी 3 देने के लिए, मान लीजिए अगर हमें यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ 15 है, सपोज हमें 1 को 3 देना है तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 3 जो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 3, सामने है आपके x upon sorry 7 upon 15। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ लिख दीजिए x plus 3 upon 3, क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, ऊपर मैं दोनों प्लस करके लिख दिए, सामने है 7 upon 15। अब यहाँ जो चीज डिवाइड में है वो वहां जाएगी तो हो जाएगी मल्टीप्लाई, x plus 3 equals to 7 into 3 upon 15। तो जब आप इसको करेंगे तो 3 1 जा 3 3 5 आता है 15, तो x plus 3 का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 7 upon 5। अब बचा आपके पास सिर्फ क्या प्लस 3, इस प्लस 3 को उधर ले जाइए माइनस 7 upon 5 माइनस 3, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 15, तो 7 माइनस 15 अपॉन 5, जब माइनस होगा ये 7 माइनस 15 का आंसर आता है माइनस 8 अपॉन 5, दिस इज द आंसर फॉर x। सो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस काइंड ऑफ सम्स एट योर होम। हमारे पास इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था, वो तरीका क्या है ये आप घर पे बैठे बैठे भी देख सकते हो। सपोज करिए आपने इन सब का एलसीएम टोटली 15 से ही अगर कर दिया होता तब भी आपका आंसर जो है इस तरह से निकल सकता था। सो आई होप आपको ये सब सारी इक्वेशन समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी लगता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है पूछ सकते हैं स्कूल के, और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक है तो इनको आप इजीली आपके नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग एट योर होम, स्टे सेफ स्टे होम।